तो इन्हें जड़ दे रही थी मार रहे हो, मेरे को इनको कतरा ना कतरा पड़ गई थी वो। ये पहाड़ का जो है विटामिन चीज है। हाँ तो मित्रों, आज काफी लंबे अरसे के बाद आप देख रहे हो भाई आंगन में जो है ना हमारा सिलबट्टा, हमारी मसाले कूटने की मशीन हुआ, इसमें हम ना सारी चीजें कूटते हैं, मसाला चाहे आप आलू ले लो या मूली ले लो। तो आज ताऊजी काफी दिनों के बाद भाई गांव में आ रखे हैं, तो मूली अरबी और बैगन का जो है ना थेचुआ बन रहा है बढ़िया वाला, और मेरे मुंह में अभी से पानी आने लग गया है क्योंकि ताऊजी की जो रेसिपी रहती है बड़ी टनाटन रहती है, मज़ेदार रहती है। तो अभी फिलहाल ताऊजी कह रहे हैं कि आज मैं सारा काम खुद ही करूंगा भाई, तो मैं तो हेल्प के लिए तैयार था, बट ताऊजी बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल मैं ही। फिलहाल यहाँ पर दो दो सिल रखे हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत पत्थर होता है और ऊपर से उसमें जो है ना पट्टे रखे हैं भाई बैगन, तो इनको भी थेचा जाएगा या ताऊजी ऐसे ही डालेंगे? ये ऐसे ही डालेंगे भाई, ये ऐसे ही डालेंगे, थेचते नहीं है। तो कुछ गजब का टेस्ट आएगा। और फिलहाल मैं जलाता हूँ भाई चूल्हे में आग। अब पिंकी ले आई भाई आलू काट गुट के, तो आलू उसमें रख दिए, तो ये भी बढ़िया तरीके से थेचे जाएंगे इसमें। बारी बारी थेचे, हाँ लहसुन भी पीसना है, तो बारी बारी भाई ये छिले जा रहे हैं लहसुन, यहाँ पर पहाड़ी लहसुन है बिल्कुल खेतों का, और खेतों की मूली है। और अम्मा फिलहाल यहाँ पर बैठी हुई है, अम्मा भी बीच में अस्वस्थ चली थी बट अभी थोड़ा फिलहाल घर पे आके ठीक है, तो अम्मा का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है अभी फिलहाल, मतलब जो भी है पहले से अच्छा है। तो अम्मा भी आंगन में बैठी हुई है, और इधर भाई मेथी और ये चने की दाल भी सुखा रखी है। ताऊ जी जरा घोल मिलाने जा रहे हैं। कहाँ घोल मिलाने, कहाँ जा रहे हो? घोल उसमें ऑयल। अच्छा, और ताऊ जी के साथ में मकान का काम भी चल रखा है ना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा छत में लीकेजिंग हो रही थी तो वो सही हो रही है, और इधर दीवारों पर प्लस्तर चल रखा है तो फिलहाल ऊपर काम चला है। तो ताऊ जी ने कहा सभी लोग साथ ही खाते हैं, तो इसलिए बढ़िया तरीके से बाहर से बन रहा है भाई। और आप ये देख सकते हो मैंने ये बना रखे खुद डेकोरेटेड आइटम, अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो मेरे वहाँ से, बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, उत्तराखंडी अपन कला मैंने प्रदर्शित कर रखी है, और साथ ही आप देख रहे हो ये कैक्टस है, सूखा हुआ कैक्टस, ये सारे कैक्टस हैं। और इधर आप देख रहे हो ये चीड़ का जो है ना ठीठा है। ताऊ जी आएंगे खींचने के लिए आलू, चाहे कुछ भी हो जाए। लो ये शिमला मिर्च, अरे वाह, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, अभी खेतों से तोड़ के लेके आ गए। पुदीना, पुदीना भी आ गया है दोस्तों। फाइनली आग भी जल चुकी है, और अब कुछ ही क्षणों में इसके ऊपर चढ़ेगी भाई कढ़ाई, और बनेगा आलू मूली और अरबी का थेचुआ। और ये भाई पिस गया है मसाला बढ़िया वाला, ये सिलबट्टे का जो मसाला है एकदम नंबर वन मसाला है भाई साहब, बिल्कुल ये तो है। जो स्वाद है सिलबट्टा का होने वो मसाला में नहीं है। हजाम तुमने तो होटल में शेफ होना चाहिए था अभी। क्या होटल में शेफ होना चाहिए था तुमने? होटल में हाँ। मैं वहाँ दिल्ली में मेरी सब्जी बनाता, मुझे नहीं आ रहा है साफ पसंद, पूछ ले रहे जरा। मैं कह बहू को कहता हूँ तू तो पड़ा और मैं सब्जी बना देता हूँ, मैं ले रहा हूँ। तो वही तो कह रही हूँ, तुमने होटल में शेफ होना चाहिए था अभी। अब क्या होने चाहिए थे, अब साल बासठ साल है कि अब क्यों होना, अब माथा जाना दिन है। और पापा ले आए फिलहाल लकड़ी भाई, ठीक है, तो पापा लोग लकड़ी ले आए, मम्मी भी लेके आ रही है। अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। अच्छा चलो देखते फिर आज आ रही है जो पुदीना है ना, पुदीना ये हाँ ये धो के ऊपर से डाल दे, कारने नहीं ठहरे। ठीक ये देख, ये पुदीना धो के ऊपर से डाल दे, क्या मजा आता है यार। तो मित्रों आज आप जितना भी देख रहे हो ना सब हमारे खेतों का है भाई, ऑर्गेनिक सारा आइटम। ये बन गया भाई मसाला जायकेदार, चिकन मटन सब फेल है भाई इसमें। अरे सब नहीं ले रहे, गांव में घर बोला रही।
मगर आजकल थोड़ा बारिश हो रही है तो हमारी अंगीठी जो है ना कम जल रही है, जो चूल्हा जल है ना वो स्लो जल रखा है, बिल्कुल बढ़िया वाला धुआं आपको दिख रहा है। असली आनंद तो इसी में है। ये अब इसमें पानी डालेगा साहब, ये फुल भर जाएगी आपका। अब इसमें पानी डालने के बाद उसके बाद नहीं डालेगा ना नूडल। आ जा पानी, आ जा।